लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है और तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसे लेकर दावा किया गया कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और ये वीडियो ईवीएम में लाइव गड़बड़ की डेमो वीडियो है। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया। उसने लिखा, गुजरात के सीईओ ने दिखाया ईवीएम की गड़बड़ी का लाइव डेमो। ईवीएम की लाइव गड़बड़ी देखकर बीजेपी सरकार परेशान। ईवीएम की गड़बड़ी लाइव प्रूफ। इस वीडियो को अभी तक लाखों लोगों ने देख लिया है। वही वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। हालांकि जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो यह दावा पूरी तरीके से फर्जी निकला। जब हमने इसकी पड़ताल की तो सच कुछ और ही सामने आया। वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है और ना ही ये वीडियो ईवीएम की लाइव गड़बड़ी का है। वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति अतुल पटेल हैं और ये वीडियो ईवीएम हटाओ देश बचाओ मूवमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। जब वीडियो और उसके दावों को लेकर हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो सीईओ गुजरात की वेबसाइट को भी चेक किया। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात की सीईओ आईएसपी भारती हैं। यहीं से पोस्ट पर किया गया दावा झूठा साबित हो गया कि वीडियो में गुजरात के सीईओ दिख रहे हैं। वायरल तस्वीर में प्रेस वार्ता के बैकग्राउंड में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर अतुल पटेल का नाम लिखा है। यानी जो व्यक्ति ईवीएम में कथित गड़बड़ी का डेमो दे रहे हैं वो अतुल पटेल हैं, ना कि गुजरात के सीईओ। वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना स्पष्टीकरण सामने दिया है और इस पूरे दावे को फर्जी करार दिया। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है जिसमें इसे फेक बताया गया। आयोग की तरफ से कहा गया कि ना तो वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति गुजरात के सीईओ हैं और ना ही इसमें किया गया कोई भी दावा सही। साथ ही वीडियो में नजर आ रही मशीन ईवीएम भी नहीं है। गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम में गड़बड़ी के लाइव डेमो का वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है। इसमें वीडियो में दिख रही मशीन ईवीएम नहीं है और ना ही वीडियो में दिख रहे व्यक्ति गुजरात के सीईओ। ऐसे में चुनावी माहौल में दुष्प्रचार के लिए वीडियो को शेयर किया गया। तो कुल मिलाकर इस फैक्ट चेक में ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी निकला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।